एवरीवन, दिस इज शालू। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरा मास्क जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, ये देखो एक ही दिन हुआ है अभी मुझे बाहर आए, और ये देखो कितने सारे फेस पे पिंपल्स आ गए। अब ऐसे मैं क्या बाहर ही ना जाऊँगा, सभी मैं नहा चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं नहाई हुई नहीं लग रही हूँ। और ये वाल्या अभी सारा कुछ काट रही थी क्योंकि उसको भी कॉलेज जाना है और शाम को बहुत लेट हो जाएगी, तो टिफिन भी ले जाएगी, नहीं भी वैसे भी बनाना होता है। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, तो वो अभी गई है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए। वाल्या चली गई है, वो उसकी बस आने वाली थी एक्चुअली, या आ गई होगी पता नहीं, मुझे 9:30 बजे टाइम बोला था, तो वो निकल गई है। कहा कि खा तो मैंने भी लिया है साथ ही में। टाइम आ गया है, कौन सा टाइम, 10 बज गया है, 10:15 शायद कम होंगे, और मैं भी आधा एक घंटे में निकल जाऊंगी। मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ ताकि जब निकलना हो तो मैं फटाफट से निकल जाऊँ। मैं बैग नहीं ले जा रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं बेफालतू में वेट बढ़ाना, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं है, तो तभी मैं निकलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय जूनियर, टाटा गाइस। ये देखो कैसे उठ गई, ये तो बहुत ही डर लगा एकदम से जब उठी। फिर भी अभी क्योंकि मेरे घर में भी एक पेट हो चुका है, पर वो इतना खूंखार नहीं लगता ना, बनी है खरगोश छोटा सा, तो इस वजह से फिर भी मैं थोड़ा फ्रेंडली हो गई हूँ, मतलब ऐसे टच नहीं करती, बट पहले तो मैं बहुत दूर दूर रहती थी, बहुत दूर। सभी निकलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत धूप है गाइस, थोड़ा मैं अंधेरे में आ जाती हूँ, मुझे दिखती नहीं आती, थोड़ा छाँव में ना कि अंधेरे में। मैं क्या ही बोल रही हूँ, मेरा दिमाग मतलब इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे हो गया है कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल क्या रही हूँ। अंधेरा बोल रही थी, मुझे छाँव में आना था। तो अभी यहाँ से ऑटो करेंगे तो उसमें भी एक घंटा लग जाएगा, और अगर ट्रैफिक हुई तो पता ही नहीं। तो मैं 11:30 पर निकली हूँ, तो अगर 1-1.5 घंटे पहले पहुँचूँगी तो और भी अच्छा है, वहाँ पहुँचते हैं जल्दी से। हम लोग अभी कॉलेज नहीं पहुँचे, आज फिर से कोल्ड ड्रिंक पार्टी हो रही है, असोमे ले रही है कोल्ड ड्रिंक, उसको पीना था एक्चुअली, और जुकाम ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मैं एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको मिलती हूँ, क्योंकि मेरा एकदम से पेज सारे पुर्जे हिले हुए हैं क्योंकि मेरी हालत ख़राब है। सोच रही हूँ अभी बर्थडे पार्टी उधार है, इससे पहले ही कोल्ड ड्रिंक। सो गाइज, यहाँ पे हम पार्क में बैठे हुए थे एलयू में, और ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने सुसाइड किया है एक पर एक्चुअली में ये एक डमी लटका हुआ था। हमें पहले देख के ऐसे एकदम से हो गया कि ये क्या हुआ, फिर सौम्या और हम लोगों ने सोचा अगर ऐसा होता तो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गया होता। फिर हमने ध्यान से देखा तो ये एक तरह से सीन क्रिएट किया गया था, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि बच्चों का प्रैक्टिकल टाइप कुछ हो रहा था क्योंकि बच्चे ही थे जो। अभी मैं रूम पर पहुंच चुकी हूँ, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, लाइट आ रही है, और रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने फ़ोन नहीं निकाला, स्पेस भी नहीं है मेरे फ़ोन में, और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार, तो मैं अभी जाकर सोने वाली हूँ। यहीं पर एंड करते हैं, आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।